क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के परिणाम के बीच प्रसपा नेता शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया है। प्रसपा का झंडा उतार कर शिवपाल ने अब अपने घर पर सपा का झंडा लगाया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक हुए शिवपाल अखिलेश, प्रसपा का सपा में हुआ विलय, समाजवादी पार्टी में फिर लौटे शिवपाल। शिवपाल को मिलेगी अहम जिम्मेदारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से मिली जीत का तोहफा शिवपाल सिंह यादव को दिया है। उनकी पार्टी प्रसपा का एक बार फिर से सपा में विलय हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी का विलय होने से ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है, अब किसानों नौजवानों के मुद्दों पर संघर्ष होगा। गौरतलब है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से सपा प्रसपा के विलय को लेकर शुरू हुई कवायद आखिरकार चुनाव परिणाम के साथ परवान चढ़ी है। अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह को पार्टी का झंडा थमाया। शिवपाल की गाड़ी से प्रसपा का झंडा उतार कर सपा का झंडा लगा दिया गया, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि भविष्य में पार्टी के अंदर और भी कई तरह के बदलाव दिखेंगे। शिवपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले उनकी पार्टी के नेताओं का सपा में समायोजन होगा। ऐसे में प्रसपा के नेताओं ने शिवपाल की सम्मानजनक तरीके से वापसी होने पर खुशी जताई है, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को मुलायम सिंह यादव के असली अनुयायी बताते आए हैं। दरअसल सपा प्रसपा के विलय के बाद शिवपाल सिंह यादव को पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल सिंह यादव को संगठन अथवा विधायक दल में जिम्मेदारी मिल सकती है। सपा प्रसपा का विलय होने सपा शीर्ष नेतृत्व के आसपास रहने वाले कुछ नेताओं में खलबली मची हुई है। उन नेताओं के चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं, जिन्होंने चाचा भतीजे के बीच निरंतर दूरियां बढ़ाने का प्रयास किया। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि सपा प्रसपा के साथ आने से 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को फायदा मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।